नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से मैं राधेश्याम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 21 मई है और हम बात करेंगे राजस्थान में चल रहे हीट वेव के स्पेल की। सबसे पहले साइनोप्टिक सिचुएशन की बात करें तो फिलहाल राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हो रहे हैं, यानी हीट वेव का दौर पिछले 4-5 दिनों से जारी है। इसके अलावा अगले 48 घंटों में राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी होने की संभावना है, यानी कि फिलहाल जिन इलाकों में अधिकतम तापमान 46-47 डिग्री रिपोर्ट हो रहा है, 23-24 मई को इन इलाकों में अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हो सकता है। यानी कि फिलहाल जो हीटवेव का दौर है अगले 24 घंटों बाद यानी 22-23 मई से देखेंगे तो कई स्थानों पर सीवियर हीटवेव की परिस्थिति बनेगी, यानी कि भीषण हीटवेव यानी लू की परिस्थिति रहेगी। खासकर जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर संभाग, भरतपुर और कोटा संभाग, इन ज्यादातर स्थानों पर 22-23 मई से हीटवेव की सीवियरिटी में बढ़ोतरी होगी, तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा न्यूनतम तापमान भी यानी रात्रि का जो तापमान है वो भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर रह सकता है, यानी आने वाले 5-4 दिन राजस्थान में उष्ण रात्रि के जैसी भी परिस्थितियां राजस्थान में देखने को मिलेगी। तो मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से आगामी 4-5 दिनों के लिए पश्चिमी राजस्थान में सीवियर हीटवेव कहीं कहीं वार नाइट के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी 22 मई से 25 मई के लिए राज्य के कुछ भागों में रेड अलर्ट जारी किया गया है।